आतंकी हमले की तस्वीरें देखकर किसी का भी खून खौल सकता है। इन्हें देखकर समझ सकते हैं कि रियासी में क्या हुआ होगा। आतंकियों ने मां की गुफा की ओर जा रही बस पर लगातार गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ ने एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। आतंकियों से दूर ले जाने की कोशिश में बस खाई में गिर गई। बस के खाई में गिरने के बाद भी कायरों ने गोलियां बरसानी जारी रखी। जब बस खाई में गिरी तो आतंकी तब भी फायरिंग करते रहे ताकि कोई भी बच न पाए। वारदात के बाद आतंकी जंगल की तरफ भाग गए। बताया जा रहा है कि हमले में 4 आतंकी शामिल थे। इनमें से 2 बस पर गोलियां बरसा रहे थे और 2 अन्य उनको कवर कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर बचाव व राहत कार्य शुरू कर दिया। घायल यात्री संतोष कुमार ने बताया कि आतंकियों ने सेना जैसी वर्दी पहनी हुई थी। उन्होंने लाल कपड़े से मुंह बांध रखा था। बस जैसे ही मोड़ पर आई अचानक गोलियां चलने लगी। बस के खाई में गिरने से पहले आतंकियों ने 25 से 30 गोलियां चलाई थी। आपको बता दें कि 10 जून 2024 को जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर रहे थे, ठीक उसी समय जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी। करीब 41 लोग हमले में घायल हो गए थे। ये हमला जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में हुआ था। मरने वालों में 3 लोग उत्तर प्रदेश के थे। ड्राइवर और कंडक्टर रियासी के ही रहने वाले थे। हमले में जान गंवाने वालों में 1 3 साल का बच्चा भी शामिल था। उसकी मां की मौत भी हो गई है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रात 8:15 बजे तक सभी यात्रियों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान का विस्तार रियासी जिले के दूर दराज के अरनास और माहौर क्षेत्रों तक जारी है। ये इलाके 1995 से 2005 के बीच आतंकियों के गढ़ रहा करते थे। अब एक बार फिर आतंकियों की इन इलाकों में मौजूदगी के बाद सुरक्षा बलों ने अपने अभियान को तेज कर दिया है। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि 50 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। मामले में जांच जारी है। उन लोगों की पहचान की जा रही है जो आतंकियों को मदद पहुंचाने या उन्हें किसी भी तरीके से सहयोग करने में शामिल रहे हों। रियासी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहिता शर्मा ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत अधिकारियों को रिपोर्ट करने का आग्रह किया। आतंकवादी हमला करने वाले आतंकियों की तलाश जारी है। सेना और सीआरपीएफ की 11 टीमें पूरी पहाड़ी इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को खत्म करने के मिशन मोड में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमले के बाद आतंकी जंगल की तरफ भागे थे। ऐसे में रियासी के जंगल को घेर लिया गया है। वहां कमांडो और ड्रोन भी उतारे गए हैं। आतंकी संगठनों का ध्यान कश्मीर घाटी की बजाय अब जम्मू क्षेत्र पर केंद्रित हो गया है। जम्मू इलाके में जनवरी 2023 के बाद 18 महीने में 29 आतंकी घटनाएं हुई। कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में नागरिकों और सुरक्षा बलों के जवानों के शहीद होने की संख्या भी दोगुनी हो गई है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन ने खुलासा किया है कि आतंकियों को कुछ लोकल लोगों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि आतंकियों को पनाह देने वालों का अंजाम भी बुरा होगा। डीजीपी ने कहा कि चुन चुन कर आतंकियों का सफाया किया जाएगा, उनको पनाह देने वाले भी बख्शे नहीं जाएंगे। प्रश्न ये है कि आखिर कब तक? आतंकी हमले के लिए शपथ ग्रहण का दिन और समय क्यों चुना गया? देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष और उनके लीडर्स की कोई प्रतिक्रिया इस मामले पर क्यों नहीं आई? क्या आतंकवादियों को भारत में सपोर्ट मिल रहा है? आप भी जवाब दे सकते हैं। देश दुनिया की बड़ी और तमाम खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए द नेशन भारत।